अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सेकेंड ईयर न्यू बुक हम लोग सेकेंड ईयर न्यू बुक जो है ना मैथमेटिक्स की सॉल्व कर रहे हैं। मैंने चैप्टर नंबर 3 करवा दिया डेरिवेटिव, अब चैप्टर नंबर 4 पर आया हूँ मैं। 4.1 भी मैं करवा चुका हूँ, 4.2 ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसमें जो है ना डेरिवेटिव के हवाले से जितने फंक्शन थे वो सारे के सारे चैप्टर 3 में थे जो हम कर चुके हैं। मैंने आपको उसके एक्सरसाइज, अगर आप मेरा लिंक देखिए तो चैप्टर नंबर 3 जब मैंने स्टार्ट की थी तो 3.3 से स्टार्ट की थी, 3.1 मैंने बाद में जाकर की। 3.3 से मैंने आपको बताया था कि आपके पास डेरिवेटिव के इस बुक में 5-7 फंक्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहला पॉलिनोमियल था, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक था, तीसरा एक्सपोनेंशियल था, चौथा लॉगरिथमिक था, पाँचवा जो है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक था, छठा हाइपरबोलिक, और सातवां जो है ना इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन था। उन तमाम फंक्शन को हम कर चुके हैं, अब हमें डेरीवेटिव आ गई है। अब हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, इंतहाई बेसिक फंक्शन दिए हुए हैं जिसे हमने करना है, कुछ फार्मूले दिए हुए एक्स्ट्रा जो हमने यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है, हमारे पास एक दो थ्योरम है, एक का नाम है मैकलॉरेंस थ्योरम और एक का नाम है टेलर सीरीज़ या मैकलॉरेंस सीरीज़ भी कह लें आप। इन दोनों के लिए आप वो कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, वो कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स विद द हेल्प ऑफ मैकलॉरेंस सीरीज़। हमने मैकलॉरेंस सीरीज़ से जो है ना फर्स्ट 3 टर्म इसके भी कैलकुलेट करने हैं, इससे अगले वाले क्वेश्चन में टेलर सीरीज़ के हवाले से कैलकुलेट करने हैं। तो फंक्शन बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, हम इसे डायरेक्ट वे में कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहाँ पे बाकायदा दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई पावर नहीं है, सिंपल फॉर्म में फंक्शन है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन को दोबारा करेंगे कॉस हो जाएगा, कॉस को दोबारा करेंगे साइन हो जाएगा। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन है। तो अब हमें बाकायदा उसे कैलकुलेट करके दिखा के सिंपल वे में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस लेवल के स्टूडेंट हैं उस लेवल के लिए कुछ चीज़ें डायरेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप डायरेक्ट नहीं करेंगे तो ये मैथमेटिक्स का पेपर इतना ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा कि एग्ज़ाम में आपसे संभाला नहीं जाएगा। लिहाजा कुछ चीज़ें डायरेक्ट करना सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए तो डायरेक्ट करना आ जाएगा आपको, वरना आप कैलकुलेशन में लगे रहते हैं, चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो हम कैलकुलेशन वगैरह में नहीं लगे रहेंगे, डायरेक्ट हम करेंगे, हमें आ जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। हमें कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ मैकलॉरेंस सीरीज़ आपने निकालना है। मैं आपके लिए सीरीज़ लिख देता हूँ ताकि पता चले हमें काम क्या करना है। कह रहा फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स, मैकलॉरेंस सीरीज ये है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास है एफ ऑफ 0 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, एफ ऑफ प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, एफ डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, एफ थर्ड प्राइम ऑफ 0 यानी थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करना है, एक्स पावर 4/4 फैक्टोरियल, एफ फोर्थ प्राइम ऑफ 0, और इसी तरह ये चलता रहेगा सो ऑन इनफाइनाइट तक। हमने ये सारी वैल्यू यहाँ निकाल के पुट करनी है, पहले तो हमने डिफरेंशिएट करना है, फिर उसके बाद हमने 0 पुट करना है एक्स की जगह, और जो रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पुट करते चले जाएंगे। तो फंक्शन आपके पास ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, सॉल्व कर रहे हैं हम, वही अगर हम लिख दें डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो पहला डेरिवेटिव इसका आ जाएगा माइनस साइन एक्स, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसे 1 टाइम और करेंगे, इस साइन को बाहर निकालें और साइन को करेंगे, यानी माइनस नेगेटिव साइन को बाहर लिख दिया, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ये हो गया माइनस कॉस एक्स, डबल डेरिवेटिव आ गया। इसे 1 टाइम और करेंगे तो थर्ड टाइम हो जाएगा ये डिफरेंशिएट, माइनस एज इट इज़ है कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये साइन एक्स हो जाएगा, एफ थर्ड डेरिवेटिव आ गया। अब फोर्थ डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो दोबारा साइन फंक्शन आ गया, साइन को करेंगे तो कॉस हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो गया। हमें उसे दिखा के उस तरह लिख के डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम चैप्टर 3 में ये सारे काम करके आए हैं बेसिकली, सही है ना। अब हमने वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है कॉस एक्स, हमने एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है, कॉस एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे, कॉस 0 1 होता है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई। एफ प्राइम ऑफ एक्स ये आ गया हमारे पास माइनस साइन एक्स, अब हमने 0 की वैल्यू निकालनी है, ये फार्मूले में है सारा, साइन 0 0 होता है, तो ये एफ प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू आ गई। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स हम निकाल चुके हैं, ये रहा हमारे पास माइनस कॉस एक्स, एक्स की जगह दोबारा 0 पुट कर दें, कॉस 0 1 होता है, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, एफ डबल प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू आ गई।
एफ थर्ड प्राइम की वैल्यू निकालें हम, एफ थर्ड प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू साइन एक्स, जीरो पुट कर दें, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, ये एफ थर्ड प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई आपके पास। यहाँ मैं कर दे रहा हूँ एफ फोर्थ प्राइम की, एफ फोर्थ प्राइम की वैल्यू ये निकली हुई है आपके पास कॉस एक्स, एफ फोर्थ की वैल्यू पुट करेंगे हम जीरो, कॉस जीरो, कॉस जीरो वन होता है, तो ये आ गया एफ फोर्थ प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू, ये फर्स्ट सही ना, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, एफ प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू मैकलोरन सीरीज में पुट कर दें, मैकलोरन सीरीज ये है, एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो प्लस एक्स क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो प्लस एक्स पावर फोर ओवर फोर फैक्टोरियल एफ फोर्थ प्राइम ऑफ जीरो प्लस डॉट डॉट डॉट। तो एफ ऑफ एक्स गिवन है हमारे पास कॉस एक्स, जिसकी सीरीज निकालनी है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई वन एक्स, एफ प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई जीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई माइनस वन प्लस एक्स क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई जीरो प्लस एक्स पावर फोर ओवर फोर फैक्टोरियल एफ फोर्थ प्राइम की वैल्यू आ गई वन और प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये आ गया कॉस एक्स, ये हो गया वन, और ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो गया माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल, ये तो जीरो हो गया, ये वन से मल्टीप्लाई हो गया ये आ गया। तो हमें यही कह रहा क्वेश्चन में कि फाइंड द थ्री टर्म्स विद द हेल्प ऑफ मैकलोरिन सीरीज, थर्ड थर्ड टर्म निकालना है, तीन टर्म आ गए हमारे पास, फोर्थ तक डिफ्रेंशिएट करेंगे थर्ड टर्म आ जाएगा, हर सवाल में यही करना है, सही है ना। फंक्शन इंतहाई ईजी दिया हुआ है आपके पास, बस यहाँ ये सारे काम जो है ना कैलकुलेशन थोड़े से हैं जो डायरेक्ट वे में हम करेंगे, फंक्शन ऐसा दिया ही हुआ नहीं है कि उस पर जो है ना मेहनत करने की ज़रूरत पड़े हमें, क्योंकि डिफरेंशिएट हम चैप्टर थ्री में कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन का चैप्टर चैप्टर 3.3 से स्टार्ट हो रहा, सही है ना, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 सारे मैं कर चुका हूँ, ये हायर ऑर्डर है, यानी इन्हें वन टाइम करना है, टू टाइम करना है, थ्री टाइम करना है, फोर टाइम करना है, लिहाजा इसीलिए इसने फंक्शन ईजी दिया हुआ है, अगर उस टाइप का फंक्शन देगा तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, ये बिल्कुल आसान सा फंक्शन दिया हुआ है, सीरीज में लिखा रहने दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर टू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर टू में आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पार्ट टू, फंक्शन ये दिया हुआ है आपके पास, वही डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे वही आ जाता है एज इट इज, सेकेंड टाइम करेंगे अगेन वही आ जाएगा, क्योंकि जब हम डिफरेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे एज इट इज कॉपी करते हैं, फर्दर उसके पावर को करते हैं, पावर एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट ही डिफरेंशिएट करेंगे वन आ जाएगा, हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अंडरस्टूड है, थ्री चैप्टर में ही अंडरस्टूड हो गया था, वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, डबल प्राइम भी यही आ गया, थर्ड प्राइम को हम डिफरेंशिएट करेंगे यानी सेकेंड टाइम थर्ड टाइम करेंगे यही आ जाएगा, और फोर्थ टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास ई रेज टू द पावर एक्स। अब हम लिमिट पुट कर दें, एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है जीरो पुट कर दें, ई की पावर जीरो मीन्स वन, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई वन, डबल प्राइम का भी यही है, ई की पावर जीरो पुट करेंगे यही आ जाएगा, एफ डबल प्राइम की वैल्यू भी यही आ जाएगी, थर्ड टाइम करेंगे यही फंक्शन है, जीरो पुट करेंगे यही आ जाएगा वन, फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट करेंगे यही पुट करेंगे आ जाएगा वन, ये फोर्थ टाइम कर लिया, अगेन मैकलोरिन सीरीज में हम पुट कर दें, लिख दें हम बाय मैकलोरिन थ्योरम या सीरीज, ये टॉपिक ग्रेजुएशन में था, अब आपको लाकर दिया गया है, बीएस प्रोग्राम के जो बच्चे पढ़ते हैं उन सबको ये सब पढ़ाया जाता है, कुछ टॉपिक्स आपको दिए हुए आपके एंड में जो चैप्टर नंबर 11 और 12 भी है वो बीएस प्रोग्राम वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको वो दिया गया है, थोड़ा उसकी इनिशियल कंडीशन दी गई है जो हम करेंगे, तो जो है ना आपको थोड़ा सा
प्रैक्टिस इस तरह करनी है कि आप ज़रा जो है ना तेज़ी से इसे कर सकें, वरना आप कैलकुलेशन में लगे रहेंगे तो ये सब नहीं होगा। सीरीज़ ये है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो। हमने तो थर्ड टर्म तक निकालना है बस, तो यहाँ फोर्थ टर्म तक आ जाएगा, फोर्थ करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए कर दिया। एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास है 1, एक्स इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, ये थर्ड टर्म आ गया आपके पास। मैं एक एक्स्ट्रा कर दे रहा हूँ, एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इसका भी रिजल्ट 1 है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स गिवन है ई रेज टू द पावर एक्स, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। जब आप बीएस कर रहे होंगे तो ये फार्मूला आपको याद भी रखना होगा, ये फार्मूला है मैकलॉरिन सीरीज के हवाले से कि इसे हम ओपन करेंगे ई रेज टू द पावर एक्स को, कॉस एक्स को, साइन एक्स को, तो क्या रिजल्ट आएगा, वो सारे आपको याद रखने होंगे। खैर आपको उस वक्त तो याद हो जाएंगे, जाहिर सी बात है आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी। पार्ट नंबर थ्री, पार्ट नंबर थ्री में फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास एल एन 1 प्लस एक्स। पार्ट नंबर थ्री फंक्शन दिया हुआ है आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स। अंडरस्टूड सी बात है, जब हम किसी लॉग फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि लॉग का जो भी एंगल है वो अपॉन में आ जाएगा। फर्दर एंगल को करेंगे, एंगल है 1 प्लस एक्स तो 1 को करेंगे, फिर एक्स को करेंगे, 1 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, एक्स को करेंगे 1 आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम ये डिफरेंशिएशन लिख देंगे, हमें ज़रूरत नहीं है कि उसे दिखाया जाए इस तरह बेसिक। ये चैप्टर 3 में हमने सब दिखाया हुआ है क्योंकि वहाँ जस्ट हमने डिफरेंशिएट करना था, यहाँ तो हमने मैकलॉरिन सीरीज यूज़ करनी है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है। तो ये रहा हमारे पास, इसे हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अब इसे सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम करना है तो इसे मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, क्योंकि सेकेंड टाइम करने के लिए मुझे इसे अरेंज करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, वेरिएबल हो, तो वो डिफरेंशिएट नहीं होता, बल्कि उसे हमें ऊपर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। वो डिफरेंशिएट उसी सूरत में होगा जब न्यूमरेटर में भी वेरिएबल हो, तो उस सूरत में फॉर्म बन जाएगी और फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, फॉर्म दो ही है डेरिवेटिव की, एक प्रोडक्ट और एक डिवीजन। तो आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट फॉर्म में तो नहीं दिया हुआ है, जब हमारे पास फॉर्म आ जाए तो पहले फार्मूला ऑपरेट होता है, देन उसके बाद डिफरेंशिएट होता है। डिवीजन का आ जाए तो डिवीजन का फार्मूला ऑपरेट होगा, देन उसके बाद डिफरेंशिएट होगा। इसे सेकेंड टाइम करेंगे, पावर पॉलिनोमियल फॉर्म है और पावर में से 1 निकालेंगे -2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -2। सही है, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया। थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे इसे तो अगेन पावर लाएंगे नीचे और पावर में से 1 निकालेंगे -3 आ जाएगा। बस थर्ड टाइम करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। हमें वो क्वेश्चन में कह रहा कि थर्ड टाइम तक यानी थ्री जो है ना टर्म्स निकालना है, थ्री टर्म्स के लिए करना है, तो यहाँ हम जीरो पुट करेंगे तो वैल्यूज बच जाएंगी, जीरो नहीं होगा। आइए अब प्राइम निकालते हैं इसका, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ ही है एल एन 1 प्लस एक्स, जीरो पुट कर दें यहाँ पे, लॉग 1 बच गया, लॉग 1 जीरो होता है, कैलकुलेटर दे देगा आपको। एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास ये रिजल्ट आया था एफ प्राइम ऑफ एक्स का, इसे नीचे ले जाएं क्योंकि मुझे सॉल्व करना है, पावर 1 नहीं आ जाएगा, जीरो पुट करें, अगेन हमारे पास 1 आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 1 1 हो जाएगा, ये एफ प्राइम ऑफ जीरो आ जाएगा। अच्छा जी, एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो निकालें, मेरे पास स्पेस कम है ज़रा जो है ना, मैं इसीलिए इस तरह कर रहा हूँ। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई है आपके पास, ये रहा, तो इसे हम लिख देंगे -1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू निकालें, -1 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये -1 और ये भी 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो। एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, जीरो पुट करें,
वन प्लस जीरो का क्यूब वन हो जाएगा, ये टू डिवाइडेड बाई वन टू हो जाएगा, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो। तीन टर्म आ गई हमारे पास। मैकलॉरिन सीरीज यूज करें बाई, थ्योरम या सीरीज, ये फार्मूला था हमारे पास। एफ ऑफ एक्स ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास, एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो प्लस ऑन। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमने निकाली है जीरो। फंक्शन आपके पास ही है, वेल एन वन प्लस एक्स। अच्छा, एफ प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू हमने निकाली है वन, एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू हमने निकाली है ये रहा माइनस वन, और एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू हमने निकाली है थ्री, बल्कि टू, टू पुट कर दें प्लस वन। थर्ड टर्म आ गया आपके पास वन प्लस एक्स, ये एक्स, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल, ये हो जाएगा टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल, ये आंसर हो जाएगा। सही ना, यहाँ ये कुछ कैंसिल भी होगा, अगर हम चाहें तो कैंसिल कर लें। उसी फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स, एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल का मतलब टू होता है, और थ्री फैक्टोरियल का मतलब होता है थ्री इंटू टू, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा प्लस वन, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस एक्स क्यूब ओवर थ्री प्लस डॉट 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 चलता रहेगा, ये आंसर हो जाएगा। ये सॉल्व था, थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। तो फंक्शन बिल्कुल इनिशियल कंडीशन में गिवन है हमारे पास, हमने डायरेक्ट वे में उसे डिफ्रेंशिएट करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है, पुट करके जो लिमिट दी हुई है उसके मुताबिक, और फिर पुट करना है। इसके बाद फंक्शन दिया हुआ है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, पार्ट नंबर फोर, इस पर पावर है, आगे जाकर इस पर फॉर्मूला ऑपरेट हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम करें हम, साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है फंक्शन पार्ट फोर। अगर मेरे पास स्पेस नहीं बचेगा तो यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, सारी वैल्यू मैं साइड में लिख दूंगा, फिर मैकलॉरिन सीरीज में हम पुट कर देंगे। पार्ट फोर, फंक्शन दिया हुआ है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर है इस पर, इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर, पावर ये आ गया, पावर का डेरिवेटिव यही है कि पावर एज इट इज कॉपी करते हैं उसमें से वन माइनस कर देते हैं, उसके बाद बेस, बेस साइन एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो फॉर्म आ गई हमारे पास, फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्म है प्रोडक्ट की, फॉर्मूला अप्लाई करें फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डायरेक्ट लिखूंगा मैं, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन एक्स एज इट इज रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसे अरेंज कर दें, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप इसी फॉर्म में इसे डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो लेंथी हो जाएगा, इसको भी पावर और बेस करना होगा, इसका भी पावर और बेस करना होगा। ये फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला है जो आप पढ़ के आए हैं, टू कॉस टू एक्स हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव आ गया। थर्ड टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव ये है हमारे पास, इसको मैं उतार देता हूँ, टू कॉस टू एक्स, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, टू एज इट इज, कॉस को करेंगे माइनस साइन, अब यहाँ एंगल भी दिया हुआ है, एंगल का भी होगा, एंगल का आ जाएगा टू, एंगल टू एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे, वन आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं टू, टू लिख दिया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस फोर साइन टू, ये आ गया थर्ड टाइम। फोर्थ टाइम इसको करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि सेकेंड टाइम का रिजल्ट हमारे पास आएगा, सेकेंड का रिजल्ट हमारे पास आएगा, फर्स्ट का रिजल्ट जीरो आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी जीरो आएगी, एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू भी जीरो आएगी, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, इसको करते हैं, इसका रिजल्ट भी जीरो आएगा, तो इसे फोर्थ टाइम करना है मुझे, फोर्थ या फिफ्थ टाइम करना है, क्योंकि मुझे जो है ना थर्ड टर्म निकालना है, यानी थ्री टर्म्स निकालना है,
इसको वन टाइम और करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस 2x, और 2x का करेंगे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा -8 cos 2x, ये आ गया 4 टाइम। वन टाइम और करना होगा मुझे क्योंकि सीरीज की थर्ड टर्म निकालनी है, 5th टाइम। कॉस का डेरिवेटिव साइन 2x, और 2x का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -16 sin 2x। सही है, हमारे पास कॉस जहाँ जहाँ है वहाँ उसकी वैल्यू आएगी, ये जीरो इसका रिजल्ट आ जाएगा, एक टर्म ये आ गया, इसका रिजल्ट जीरो आएगा, एक ये आ गया दो, और इसका रिजल्ट भी जीरो आएगा। इसका मतलब मुझे 6 टाइम भी करना है क्योंकि साइन है, साइन जीरो जीरो होता है। इसको करेंगे साइन का वही आ जाएगा cos 2x, और 2x का 2 आ जाएगा, -32, और ये हो जाएगा cos 2x, ये आ गया 6 टाइम डेरिवेटिव, सॉरी 6 टाइम। अब लिमिट पुट कर दें, यहाँ लिमिट पुट करके मैं वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, बाद में जो है ना मैकलॉरिन थ्योरम अप्लाई करेंगे। एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, इसकी जगह जीरो पुट करेंगे, साइन जीरो की पावर 2, साइन जीरो जीरो होता है, जीरो आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई जीरो। एफ प्राइम ऑफ एक्स ये आ गया आपके पास 2 sin x cos x, एफ प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू निकालेंगे 2 sin 0 cos 0, साइन जीरो जीरो होता है, सबको जीरो कर देगा, एफ प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास ही आ गई 2 cos 2x, पुट करें 2 cos 2 into 0, cos 0 0 1 होता है, तो ये जीरो हो गया cos 0 1, ये आ गया 2, एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई। एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू ये निकाली है आपने, -4 sin 2x, साइन टू मल्टीप्लाई बाई जीरो, जीरो हो गया, तो साइन जीरो जीरो होता है, ये जीरो हो गया, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई जीरो। एफ फोर्थ प्राइम निकालूंगा मैं, यहाँ कर रहा हूँ, एफ फोर्थ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई -8 cos 2x, तो एफ फोर्थ प्राइम की वैल्यू पुट कर दें जीरो, -8 cos 0 cos 0 1 होता है, ये आ गया -8, एफ फोर्थ प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई -8। एफ फिफ्थ साइन है जीरो हो जाएगा, -16 sin 2x, साइन जीरो जीरो होता है, ये आ जाएगा -16 मल्टीप्लाई बाई 0 0, एफ फिफ्थ प्राइम की वैल्यू आ गई। एफ सिक्स ये आ गया -32 cos 2x, तो ये हो जाएगा -32 cos 0, क्योंकि 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, 32 into 1 -32, ये सब की वैल्यू आ गई। ये मैं यहाँ इसी फॉर्म में लिखा रहने देता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो इसको आगे जाके हम करते हैं। मैकलॉरिन सीरीज़ में लिख रहा हूँ आपके लिए, मैकलॉरिन सीरीज़ हमारे पास ही है, ऊपर गिवन है, आपके पास लिखी हुई भी है, बार बार लिख रहा हूँ इसीलिए मैंने लिख कर छोड़ दिया है आपके लिए मैकलॉरिन सीरीज़। तो हमारे पास फंक्शन ही है, मैं बाई मैकलॉरिन सीरीज़ लिखेंगे, थर्ड टर्म तक निकालना हमें। एफ ऑफ एक्स कह रहा ही है इक्वल है एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस, बल्कि एक्स नहीं जीरो लिखेंगे, लिमिट प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो प्लस एक्स पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ प्राइम ऑफ जीरो प्लस एक्स पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल एफ फिफ्थ प्राइम ऑफ जीरो प्लस एक्स पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल एफ सिक्स प्राइम ऑफ जीरो प्लस सो ऑन। तो एफ ऑफ जीरो फंक्शन आपके पास ये दिया हुआ है, फंक्शन आपके पास फोर्थ प्राइम का फंक्शन था, क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर एक्स,
फंक्शन ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपके पास है जीरो प्लस एक्स, एफ प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू भी जीरो आई है प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल, एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू आई है टू प्लस एक्स क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल प्राइम की वैल्यू आई है आपके पास जीरो प्लस एक्स फोर ओवर फोर फैक्टोरियल, एफ फोर्थ प्राइम की वैल्यू आई है आपके पास माइनस एट प्लस एक्स पावर फाइव ओवर फाइव फैक्टोरियल, एफ फिफ्थ प्राइम की वैल्यू आपके पास आई है जीरो प्लस एक्स सिक्स ओवर सिक्स फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू आई है 32 प्लस और -32। आ जाइए जी, ये जीरो ये जीरो, इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा। चले मैं लिख देता हूँ, टू फैक्टोरियल का मतलब टू, ये टू बचा, ये जीरो हो गया। एक्स पावर फोर ओवर फोर फैक्टोरियल का मतलब फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई टू, और ये माइनस एट है, ये जीरो हो गया। एक्स पावर सिक्स ओवर सिक्स फैक्टोरियल, सिक्स फैक्टोरियल का मतलब होता है सिक्स मल्टीप्लाई बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई टू, और ये 32 दिया हुआ है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा प्लस सो। इस टू से ये टू कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बचा, फोर टू जो एट, एट से एट कैंसिल, माइनस प्लस माइनस बच गया वन ओवर थ्री एक्स पावर फोर, और 32 सिक्स फाइव का 32 दिया हुआ है हमारे पास जो है ना, तो 32 को हम कैंसिल कर लें, टू से कैंसिल करेंगे 16 सही है, फिर टू से कैंसिल करें, टू थ्री जो सिक्स ये हो जाएगा एट, अब कैंसिल नहीं होगा, ये बच गया फाइव थ्री जो 15, और 15 को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे 45, और ये ऊपर 8 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 45 एक्स पावर 6 प्लस, ये आ गया सही है ना। ये सारे लेंदी क्वेश्चन है, मैंने कहा ना कि आप डिफरेंशिएट में टाइम लगाएंगे तो फिर क्वेश्चन होगा ही नहीं आपसे, और जो है ना बहुत ज़्यादा टिपिकल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट हम जिनने डेरीवेट किया और उसके बाद पुट करना शुरू कर दिया। इसका पार्ट नंबर फोर था, पार्ट नंबर फाइव देखते हैं जी। अब मैं मैकलॉरिन सीरीज भी मिटा दे रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ मैं, तो उसको करते हैं। पार्ट नंबर फाइव हमारे पास ये था, ये रहा भाई 4.2 क्वेश्चन नंबर वन पार्ट नंबर फाइव, ये गिवन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, पावर जो है ना पॉलिनोमियल फॉर्म में गिवन है, डायरेक्ट वे में करेंगे तो मैं कर रहा हूँ इसे डिफरेंशिएट, फर्स्ट टाइम इसे डिफरेंशिएट करेंगे वही लिखेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा, फर्दर इसके पावर को करेंगे कॉस एक्स आ जाएगा, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई कॉस एक्स ई रेज टू द पावर साइन, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब अगर इसे हम सेकंड टाइम करेंगे तो अब फॉर्म में आ गया, ये प्रोडक्ट फॉर्म में, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, करें हम इसे सेकंड टाइम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं और आपने भी इसी तरह करना है वरना बहुत लेंदी हो जाएगा ये, इसको करेंगे एज इट इज, साइन को अभी किया कॉस एक्स आ गया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स ई रेज टू द पावर साइन एक्स माइनस साइन एक्स ई रेज टू द पावर साइन एक्स डबल प्राइम पर, हमने तो लिमिट भी पुट करनी है इसमें, और वन टाइम और करेंगे हम, सही है ना, यहाँ से फर्स्ट टर्म आएगी, यहाँ से सेकंड टर्म आएगी, यहाँ से थर्ड टर्म आ जाएगी आपके पास, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिट पुट कर दें, एफ ऑफ जीरो ई रेज टू दी पावर साइन जीरो, तो साइन जीरो जीरो होता है, ई की पावर जीरो का मतलब होता है वन, फर्स्ट का रिजल्ट, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स ये दिया हुआ है आपके पास कॉस एक्स, सॉरी एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है कॉस एक्स ई रेज टू दी पावर साइन एक्स, तो यहाँ पुट करेंगे जीरो कॉस जीरो ई रेज टू दी पावर साइन जीरो, कॉस जीरो वन होता है, ये जीरो हो गया, ये वन मल्टीप्लाई बाय वन, एफ प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई वन, सेकेंड डिफरेंशिएशन ये है हमारे पास एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स ई रेज टू दी पावर साइन एक्स माइनस साइन एक्स ई रेज टू दी पावर साइन, हमारा यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, थर्ड टर्म तीन टर्म आ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन अगर इसे मजीद करना पड़ता तो यहाँ भी प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करना पड़ता और यहाँ भी, तो टू टाइम करना होता, हम दोनों में से कॉमन ले लेते ई रेज टू दी पावर साइन एक्स, तो फिर वन टाइम ही
प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई करना पड़ता। खैर हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम जीरो पुट कर दें। कॉस जीरो पावर है ई रेस टू दी पावर साइन जीरो माइनस साइन जीरो मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू दी पावर साइन जीरो। कॉस जीरो वन होता है और ई रेस टू दी पावर जीरो माइनस ये जीरो हो जाएगा और ई रेस टू दी पावर जीरो जीरो से मल्टीप्लाई हो गया जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, वन आ गया। एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू बाई मैकलोरिन सीरीज मैकलोरिन सीरीज हमें ये बताता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू टू एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो प्लस बस डबल तक किया एंड सो ऑन। तीन टर्म आ जाएंगे यहाँ पे। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हम निकाल चुके हैं वन प्लस एक्स, एफ प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू भी वन आई है प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल आई है। टू फैक्टोरियल का मतलब टू होता है। एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू भी वन आई है, आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। थर्ड टर्म सीरीज की तीन टर्म आ गई, हमें यही कह रहा कैलकुलेट करने के लिए। पार्ट नंबर सिक्स में हमें दिया हुआ है एक्स ई रेस टू द पावर माइनस एक्स फंक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट सिक्स प्रोडक्ट फॉर्म है, फॉर्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे हम, ये एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा और यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये तो इसी तरह रहेगा। इसको करेंगे एज इट इज, पावर को करेंगे माइनस में माइनस वन आ जाएगा। अगर माइनस एक्स को हमें डिफरेंशिएट कर दिया पड़ जाए तो माइनस बाहर, एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया वन आ गया, माइनस वन आ गया, सही है ना। ये सब आप चैप्टर थ्री में कर चुके हैं लिहाजा आप ये सारे डायरेक्ट करेंगे वरना बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। ये एज इट इज रहेगा और ये वन हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस का एक्स ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, फर्स्ट डेरीवेटिव आ गया, सही है जी। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट निकालेंगे क्योंकि अगर मैं यहाँ जीरो पुट करूँगा तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई हो गया जीरो हो जाएगा, यहाँ पुट करूँगा तो रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास, सही है ना। इसलिए फोर्थ थर्ड टाइम तक जाना है आपने, ठीक है जी। मैं ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा वन माइनस एक्स, कोई मसला नहीं है क्योंकि मुझे डबल टाइम जो है ना डिफरेंशिएट नहीं करना है। ये रहा हमारे पास, डिफरेंशिएट करें वही फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पर, डायरेक्ट भी कर लें इसको, मैं क्वेश्चन में करके आया हूँ, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, वो कॉपी कर दें। इसको करेंगे माइनस एज इट इज पावर माइनस, तो ये माइनस ऑपरेट होगा तो हो जाएगा एक्स ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, ये दोनों ऐड हो जाएंगे वन टाइम टू टाइम, ये डबल डिफरेंशिएट हो जाएगा। इसको भी हम जीरो पुट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव में भी रिजल्ट पुट करेंगे रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। अब मुझे वन टाइम और करना है क्योंकि मुझे वो कह रहा क्वेश्चन में कि फाइंड द थर्ड टर्म, यानी थर्ड टर्म निकालना है सीरीज की, फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी। थर्ड टर्म को करते हैं दोबारा, इसे अगेन एक दफा और करते हैं भाई, नहीं इसे मैंने गलत लिखा, ये वन टाइम ये वन टाइम ये टू टाइम ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, ये वही प्रोडक्ट वाला फार्मूला ऊपर हम कर चुके हैं, इसका रिजल्ट ये आया था माइनस एक्स ई रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स माइनस टू। इसको करेंगे यही आ जाएगा, पावर को करेंगे माइनस वन आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस एक्स ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस टू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, तो ये एज इट इज रहेगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये वन टाइम है ये टू टाइम है थ्री टाइम, थर्ड डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास, ये आया माइनस एक्स ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स प्लस थ्री ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, टू टाइम ये वन टाइम ये थर्ड टाइम, डिफरेंशिएट कर लिया हमने। अब हम लिमिट अप्लाई करें, एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है हमारे पास एक्स ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, जीरो पुट कर रहे हैं हम ये जीरो ई रेस टू दी पावर माइनस जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई। एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली माइनस एक्स ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स प्लस ई रेस टू दी,
एफ प्राइम ऑफ जीरो निकालेंगे, ये जीरो हो जाएगा, ई रेस टू द पावर माइनस जीरो, ये जब नीचे ले आए प्लस हो जाएगा, ई रेस टू द पावर जीरो का मतलब वन वन हो जाएगा, एफ प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू हमने ये निकाली है, एक्स ई रेस टू द पावर माइनस एक्स माइनस टू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, वही जीरो पुट करें, ये जीरो हो जाएगा माइनस टू ई रेस टू द पावर माइनस जीरो, इसे नीचे ले आएंगे प्लस का हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस टू। एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई, तो मेरे पास एक वैल्यू, ये तो जीरो हो गया, टर्म ही गायब हो जाएगी, एक टर्म ये आएगा, एक टर्म ये आएगा, एक टर्म इससे आएगा थर्ड से, एफ थर्ड प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई माइनस एक्स ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, थ्री इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो ये हो जाएगा जीरो, ये थ्री ई रेस टू द पावर माइनस जीरो, ये थ्री डिवाइडेड बाई वन थ्री हो जाएगा, अभी कर क्या है आप, ये आ गया जी। अब हम मैकलोरन सीरीज अप्लाई करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस से कोशिश करता हूँ, यहाँ कर दूँ, मैकलोरन सीरीज हमें ये बता रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स जीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो प्लस एक्स क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो प्लस सो ऑन। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आ गई, एक्स एफ प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई माइनस टू प्लस एक्स क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई थ्री प्लस सो ऑन। ये तो जीरो हो गया, ये एक्स हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल का मतलब टू है और एक्स क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल का मतलब थ्री इंटू टू और ये थ्री है प्लस सो ऑन, थ्री से थ्री कैंसिल, टू से टू कैंसिल, ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब यानी वन ओवर टू इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, ये आंसर। ये इसका पार्ट सिक्स था, लास्ट पार्ट था हमारे पास, नहीं बल्कि इसमें एक पार्ट और दिया हुआ है, पार्ट नंबर सेवन, वो भी कर रहा हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर वन का के तमाम पार्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जो है ना सेकंड पार्ट करेंगे बाय टेलर सीरीज, अभी हम मैकलोरन सीरीज यूज कर रहे हैं, तो इसका पार्ट नंबर सेवन। मैंने आप लोगों के लिए तमाम एक्सरसाइज यानी मैंने 3.3 से स्टार्ट की, 3.1 भी मैंने आपको करवा दी, 3.3 के तमाम क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, 3.4 के भी तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 3.5 के भी हैं, 3. सिर्फ मैंने दो कमांड यूज़ नहीं की है, एक मैपिल कमांड है और एक एबी रेशियो रूल यूज़ नहीं किया, वो एक ही क्लास में मैं सारे आपको बता दूंगा तो तकरीबन चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। डेरिवेटिव मैं बार बार कह रहा हूँ वही है, अगर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेरीवेटिव करना आ जाएगा आपको। आगे अब हायर डेरीवेटिव है, हायर डेरीवेटिव में सिंपल फंक्शन उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी हमने उसे 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम यूज़ करना है, सही है ना जी। तो हम डायरेक्ट सिंपल तरीके से डायरेक्ट वे में करेंगे हम इसे। पार्ट नंबर सेवन का क्वेश्चन दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, क्वेश्चन नंबर वन पार्ट सेवन बाई मैकलोरन सीरीज से करना है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, जाहिर सी बात है ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, इसे मुझे ऊपर ले जाना होगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, पावर पावर में से 1 निकालेंगे माइनस 2 हो जाएगा और बेस हमारे पास 1 प्लस एक्स है, इसको अलग करना होगा और इसको अलग करना होगा, ये जीरो हो जाएगा और एक को एक से रेस्पेक्ट करेंगे वन वन आ जाएगा, लिहाजा बेस को करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे हम वन वन, लिखने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हो गया, सही है ना। इसमें वैल्यू पुट करने के लिए मुझे इसे अरेंज करना होगा, सेकेंड टाइम मैं कर रहा हूँ, ये माइनस वन ऑलरेडी, ये पावर पावर में से वन निकालेंगे माइनस थ्री और बेस को करेंगे वन आ जाएगा, तो टू वन जा टू प्लस का हो गया, ये एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे जीरो, फर्स्ट वाला भी रिजल्ट दे देगा, सेकंड वाला भी रिजल्ट दे देगा और थर्ड वाला भी रिजल्ट दे देगा, हमारे पास ये तीनों आ जाएंगे हमारे पास, हमने थ्री टर्म ही निकालना है लिहाजा इससे कैलकुलेट हो जाएगा। एफ ऑफ जीरो निकाल के देखिए, वन ओवर वन प्लस एक्स, वन ओवर वन प्लस जीरो, जीरो पुट कर दिया हमने, एफ ऑफ एक्स ये था, जीरो पुट किया, वन ओवर वन ये आ जाएगा वन, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई,
एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इसे अरेंज कर लेते हैं, या एफ प्राइम ऑफ एक्स इसका रिजल्ट यह है, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वायर, पुट कीजिए जीरो, माइनस वन ओवर वन प्लस जीरो का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है, ये माइनस वन आ गया। एफ प्राइम ऑफ जीरो, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गया टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स की पावर थ्री, एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो पुट कर दें टू वन जीरो क्यूब, वन का क्यूब भी वन होता है, ये आ जाएगा टू बाय मैकलोरिन सीरीज। सही है, मैकलोरिन सीरीज ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, यहाँ लिखा हुआ है एक्स डिवाइडेड बाई वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल वन होता है, मैं लिख नहीं रहा, प्लस टू आ एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई आपके पास जो है ना, ये रही वन एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई, ये जीरो है सर, एफ प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल, एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई टू प्लस, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, टू फैक्टोरियल का मतलब टू होता है, मल्टीप्लाई वन, इससे ये करते ये हो गया वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये आ गया एफ ऑफ एक्स, थर्ड टर्म तक हमने कैलकुलेट कर दिया। लिहाजा एक्सरसाइज 4.2 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्वेश्चन नंबर वन बाय मैकलोरिन सीरीज से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए किए हैं, सारे कर भी रहा हूँ, सही है ना, लेकिन आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होगी डायरेक्ट वे में, तब जाके ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आप कर पाएंगे, वरना नहीं करेंगे। और अगर आप कैलकुलेशन में लगे रहेंगे तो सिर्फ वहाँ कैलकुलेशन होगी कि टू में से वन माइनस करना है या थ्री बाई टू में से टू माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सही है ना, तो ये सब चीज़ें फिर आप उसमें फंस जाएंगे, ये नहीं आएगा। तो कुछ आपने अपनी जो है ना कैलकुलेशन बड़ी स्पीड अप कर दी है तो आप तेज़ी से कर सकते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी कैलकुलेशन ही अच्छी होती है, लिहाजा वो तेज़ी से ये काम कर रहे होते हैं, और जो बच्चे ज़रा वीक होते हैं वो कैलकुलेशन में फंसे हुए होते हैं, लिहाजा वो ये सारे काम नहीं कर पाते, तो कुछ कैलकुलेशन हाथ से करना सीखिए आप, तो ये आप ये सारे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम जो है ना हम 4.2 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट्स हैं वो करेंगे बाय टेलर सीरीज़। अल्लाह हाफिज़। चैनल अच्छा लगे आपको तो इसे लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं आपको जो है ना मेरी जितनी अगली वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाए आसानी से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।